आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज, एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस, और ये खबर वाकई में दो कंपनियों के लिए काफी बड़ी है, टीसीएस और तेजस नेटवर्क। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ये लेकर आई हैं एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए कि किस तरह से टीसीएस और तेजस नेटवर्क को बड़े ऑर्डर मिलने की तैयारी। देखते हैं बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। जी हाँ, आईटी मेजर टीसीएस और तेजस नेटवर्क्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जो सूत्र में इस वक्त बता रहे हो ये कि टीसीएस, तेजस और बीएसएनएल जो डील, एक बड़ी डील के बारे में कई समय से चर्चा चल रही है, $3 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए तक की ये डील है, इसका फाइनल गो अहेड जियोएम से अब जल्द ही मिलने वाला है। जियोएम जब बैठेगी, जिस जो हमें अगेन पता चला है कि बहुत जल्द ये मीटिंग कन्वीन होने जा रही है, उसमें ये पूरी पूरी संभावना है कि इसकी अप्रूवल जल्दी आ जाएगी, यानी कि परचेज ऑर्डर जो टीसीएस और तेजस नेटवर्क को मिलने वाला है सरकार की तरफ से, वो अब कुछ ही समय में इनको मिल जाएगा। करीब करीब 2 महीने के अंदर अंदर हम मान सकते हैं ये कंप्लीट हो जाएगा, एज एन द अप्रूवल जिसकी हम बात करें जीओएम की तरफ से, जो ये यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से जो ये अप्रूवल आनी है। आप जानते हैं टीसीएस ही ओन करती है तेजस नेटवर्क को, और उनको ये बड़ा मेगा ऑर्डर मिलेगा फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर 4G, और ये बीएसएनएल इस काम पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुकी है 4G टेक, और उनका प्लान है कि 1 लाख साइट्स अक्रॉस इंडिया ये सेटअप करेगी फेज वन में। और अगर हम डील के बारे में बात करें तो जो 25,000 करोड़ रुपए का ब्रेकअप है वो ये है कि उसमें आपको गियर कॉस्ट भी करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की है, और थर्ड पार्टी आइटम्स रहेंगे, एंड 10 साल की एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है, और 18 से 24 महीने में डिप्लॉयमेंट ऑफ 4G अक्रॉस इंडिया ये होगा थ्रू बीएसएनएल। सो ये बड़ा मेगा डील जो कि कई समय से चर्चा में है, उसका अब एक फाइनल गो अहेड मिलने जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं जीएम जल्द मिलेगी और इसको अप्रूव करने की तैयारी में। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर, और तेजस नेटवर्क्स के लिए बड़ी खबर है, ऑब्वियसली टीसीएस भी फोकस में रहेगा। बड़ा ऑर्डर मिल रहा है अनिल जी, और इतना बड़ा रोल आउट करने के लिए अगर इस कंपनी को मिलता है, ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप की बैकिंग है, टीसीएस की बैकिंग है, तो जबरदस्त मूव आ जाएगा बिल्कुल दोनों कंपनियों के लिए। टीसीएस के लिए भी किसी भी लिहाज से ये बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि 13,000 करोड़ का ऑर्डर और उसके बाद 12 साल तक का मेंटेनेंस, 1,000 करोड़, कुल मिलाकर 25,000 करोड़ का, $3 बिलियन के आसपास का ऑर्डर। ये है कि बीएसएनएल को अपना 4G रोल आउट करना है, और 4G रोल आउट करने के लिए वो टीसीएस को और टाटा ग्रुप को आउटसोर्स कर रहे हैं। बड़ी खबर मुझे लगता है तेजस नेटवर्क की, स्टॉक पे 250-300 रुपए से हम बुलिश हैं। अभी तक क्या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखी नहीं थी, क्योंकि वो इंटीग्रेशन वाला मामला चल रहा था। अगर लोगों को पता नहीं तो मैं बता दूं कि तेजस नेटवर्क ऑलरेडी टाटा ग्रुप अक्वायर कर चुका है, तो मैं तेजस नेटवर्क, टाटा कम्युनिकेशन इन और टीसीएस इस कॉम्बिनेशन पे और टाटा एलेक्सी इस पर इसीलिए ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि ये अब तेजस के लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर, जो आप नंबर्स देखना चाहते हैं वो अब आना शुरू आएंगे, अब आना शुरू होंगे, तो इन्हें पूरे सारे इक्विपमेंट्स बनाने का ऑर्डर मिलेगा। स्टैंड अलोन अगर समझो खाली तेजस है, मुझे टाटा ग्रुप नहीं है, तो क्या उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिल सकता है? सही बात है। सो ये ग्रुप की सिनर्जी और ग्रुप की साइज की वजह से बड़ा फायदा होता है। आई थिंक तेजस नेटवर्क एक स्टॉक है, कई बार सेठी साहब रिकमेंड भी कर चुके हैं, अभी 250-300 रुपए से लगातार बुलिश है ये स्टॉक है ना। इवेंचुअली जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देने लगेगा ठीक टाटा कम्युनिकेशन की तरह, तब आप देखिए इस स्टॉक की क्या रेटिंग होती है। और वैसे भी स्पेस में बहुत ज्यादा लिस्टेड स्टॉक आपके पास है नहीं है। और है तो उनकी साइज और कैपेसिटी इतनी कम है कि आप लंबा उनके बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन टाटा ग्रुप का स्टॉक होने की वजह से इनके पास साइज और कैपेसिटी में जो बढ़त की गुंजाइश है वो कमाल की, तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जरा एक बार इसके चार्ट्स पर राय ली जाए कुणाल जी से, और तब तक एक बार फंडामेंटल राय सिद्धार्थ जी से भी पूछा जाए। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल अंजी, आप एकदम सही विश्लेषण दे रहे हैं कि तेजस नेटवर्क के लिए बहुत बड़ी डील है, ऑफकोर्स टीसीएस के लिए भी है, बट जब से तेजस नेटवर्क अक्वायर हुआ है तब बिल्कुल हाईलाइट में है, और बिजनेस काफी जोरदार है। अगर देखा जाए तो नेटवर्किंग बिजनेस बहुत अच्छा है, तो अगर किसी ने ले रखा है तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आज 4G का सेटअप है, कल 5G का सेटअप करना है, तो मैम जिस हिसाब से अभी भी 5G का रोल आउट फुल ऑन नहीं हुआ है भारत में, वो जियो की बात करें या भारतीय एयरटेल की बात करें, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पूरा ही स्पेस बजिंग है।
डेफिनेटली ये जो ऑर्डर है 13,000 करोड़ का वेलकम मूव है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है टीसीएस और टीजेस नेटवर्क के लिए। किसी ने अगर ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहिए। कुणाल जी जरा चार्ट भी एक बार देख लें सर, तेजस नेटवर्क्स। दीपांशु, तेजस्वी चार्ट है, तेजस का बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा बेस बना है और मुझे ये चार्ट बहुत पसंद है। 650 के ऊपर एक ब्रेकआउट आज के शुरुआती ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है, अगर आज 650 के ऊपर क्लोज आता है तो मुझे लगता है कि 725 730 के लेवल्स भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और हर डिप में इसमें खरीदारी करके चलें, ये लंबे समय तक बाजार को आउट परफॉर्म करने की ताकत रखता है। ओके, तो लंबे समय तक आउट परफॉर्म करने की ताकत रखता है, अनिल जी का भरोसा है ही 250-300 रुपए के लेवल से और 4% ऊपर खुलने के आसार इसके हैं भी। तेजस नेटवर्क्स टीसीएस, बड़ी डील आने की संभावना।